नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर की सियासत में मानो खलबली मची है। कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार किया तो बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। ऐसे में चर्चा राम पर हो रही राजनीति को लेकर हम करेंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। तैयारियों के साथ साथ राजनीति भी शिखर पर है। जी हां, कांग्रेस की ओर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण अस्वीकार किए जाने को लेकर वार पलटवार तेज हो गया है। कांग्रेस बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगा रही है। आपत्ति राजनीतिकरण से है। आपत्ति इस बात से है कि क्या कारण है कि हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य जी क्यों कह रहे हैं कि आधा अधूरा मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा करना ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों के बारे में तो वही बता सकते हैं, वही सबसे बड़े विद्वान हमारे हैं। जो अगर उनको शंकराचार्य को ही नहीं मानते हों ये तो वो अलग बात है। तो फिर ऐसी क्या जल्दी थी कि वे मंदिर को पूरा हो जाने देते, मोदी जी ही करते इसका उद्घाटन, लेकिन मंदिर को पूरा होने के बाद में करते। ऐसी क्या ये सिर्फ चुनावी फायदे उठाने के लिए, उसमें राजनीति करने के लिए काम हो रहा है? इस बात से कांग्रेस की दूरी है। कांग्रेस ने किसी को ये नहीं कहा कि वहां जाना है कि नहीं जाना। किसी कांग्रेस जन पर भी कोई पाबंदी नहीं है, जो जाना चाहे कभी जाए, ना ही इनके मुताबिक जाना। इनसे थोड़ी पूछ के जाना, जब भगवान राम बुलाएंगे, आस्था है हमें, हम अपनी इच्छा से जाएंगे। कांग्रेस के इनकार के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हिंदुत्व विरोधी होने के आरोप लगा रही है। पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते। एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया। हमारा जाना या ना जाने का फैसला है धार्मिक, हमारी धार्मिक भावना, और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने निर्णय जो लिया है वो है राजनीतिक। दोनों में अंतर है, वो गिनते हैं वोटें कि वोटों का क्या फायदा नुकसान होगा। हमारी है श्रद्धा, हमारी है आस्था, हमारा है विश्वास श्री राम जी में। कांग्रेस कभी भी इस देश के मूल भीत और सनातन को नहीं मानते हैं, और 22 तारीख को जो भव्य रामलला मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है उसमें उन्होंने घोषित करके ये प्रमाणित कर दिया है कांग्रेस इस देश के पक्ष में नहीं है, इस देश के जनता के पक्ष में नहीं है, इस देश के सोच के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस एक इंग्रेज के अवसरवाद का नाम है, और जो स्वाधीनता का पहले जो कांग्रेस था वो कांग्रेस अलग है, अभी जो कांग्रेस वो इंदिरा कांग्रेस है। इसीलिए दोनों में अंतर है, तो अंतर इनके व्यवहार से समय समय पर दिखता है। अभी जो किया वो उनके स्वभाव में है, करना ही है, वही किया है। जाहिर है राम मंदिर को लेकर राम भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है, तो राजनीतिक पारा भी हाई है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बता दिया है, तो बीजेपी कांग्रेस पर हिंदुत्व की खिलाफत के आरोप लगा रही है। न्यूज डेस्क हरियाणा न्यूज। आई डिबेट की शुरुआत करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रजत पंजेटा इनेलो प्रवक्ता, नवीन गौड प्रवक्ता आम आदमी पार्टी स्टूडियो में हैं, और राजेंद्र जाधून वरिष्ठ पत्रकार भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है चर्चा में,
शुरुआत विधु रावल जी आपसे। कांग्रेस ने निमंत्रण को अस्वीकार किया है, ये कहते हुए कि बीजेपी और आरएसएस राजनीति कर रहे राम के नाम पर, इसे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया आप लोगों ने। ज्योति जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, हमारे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्ते। और मैं मानता हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी आ रही है बिल्कुल। देखिए प्रभु राम भारतीय जनता पार्टी नहीं, संपूर्ण भारत की आस्था के केंद्र हैं। प्रभु श्री राम हमारे विश्वास के बिंदु हैं, प्रभु श्री राम हमारे लिए प्रेरणा पुरुष हैं और सदियों सदियों तक हमें प्रेरणा देते आए, बल्कि कहूंगा युगों युगों तक भारत को प्रेरणा देने वाले। भारत के चरित्र को समझना हो, भारत के संस्कार को समझना हो, भारत की संस्कृति को समझना हो, तो प्रभु राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जो है मुझे लगता है उससे बेहतर कोई उदाहरण हो नहीं सकता। देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश पर इतने वर्षों वर्ष जिस पार्टी ने शासन किया उस पार्टी ने आज इस प्रकार से अपमानित किया है, निमंत्रण को अस्वीकार किया है। मुझे लगता है कि सारा देश इसको देख रहा है, आक्रोशित है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, जो भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री राम जन्मभूमि पर अयोध्या में, उसका जिस प्रकार बहिष्कार कर रही है, मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस का एक चरित्र बन चुका है कि राष्ट्र और भारतीय संस्कार के साथ, भारतीय समाज के साथ जिस प्रकार की भी कोई दीपावली का अवसर आता है, जिस प्रकार से भी खुशियों का कोई अवसर आता है, तो कांग्रेस मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ये कांग्रेस के संस्कार का विषय हो चुका है। ये नेहरू की कांग्रेस जिस प्रकार से आज कहा गया है, ये नेहरू की कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है जिसने देश के अंदर जब सोमनाथ मंदिर बन रहा था उस समय भी जब प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई 14 अप्रैल 1951, तब भी तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी मुंह फुलाकर बैठ गए थे। और यहां तक कि उन्होंने तो अपने मंत्री समूह के साथियों को और देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को भी वहां जाने से रोका था, प्रयास किया था रोकने का, राजेंद्र बाबू नहीं रुके थे। खैर वो एक इतिहास का विषय है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा किस प्रकार से कांग्रेस भारत के हर गौरवमय क्षण का बहिष्कार करती रही है, किस प्रकार से कांग्रेस ने देश के अंदर G20 समिट में किस प्रकार से G20 समिट का बहिष्कार किया, उसमें जो राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया रात्रि भोज था, किस प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण का इन्होंने बहिष्कार किया, किस प्रकार ये प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर रहे हैं। पूर्व में भी हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस ने जब पोखरण में हमने बम विस्फोट किया था, भारत ने खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया था, तब भी इनका इसी प्रकार का रवैया था, हमेशा नकारात्मक इनका रवैया रहा है। आज निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये बहिष्कार कांग्रेस है और इसलिए आज देश की जनता इनको बहिष्कार कर रही है। कोनों कोनों से आवाज आ रही है कि अब कांग्रेस का बहिष्कार होना चाहिए। ये बहिष्कार करने योग्य कांग्रेस है। ये देश के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, देश की नई संसद का बहिष्कार करती है। ये हर प्रकार से देश के लोकतंत्र के प्रति, देश के प्रति और देश के सभ्यता और संस्कारों के प्रति जो है बहिष्कारित रूप रखती है। आज कांग्रेस का बहिष्कार करना जो है आज देश के कोनों कोनों से आवाज आ रही है। और साथ ही ये भी बात आ रही है कि किस प्रकार से मोदी विरोध में और मोदी जी के प्रति किस प्रकार ये जो नफरत की भाव रखते हैं, जो इनके मन में किस प्रकार से मोदी जी के प्रति वैर भाव है, उसके नाते पहले ये राष्ट्र विरोधी हुए, अब ये राम विरोधी हो चुके हैं। इससे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि ये गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, ये देखिए महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहनदास करमचंद गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये एंटोनियो माइनो की कांग्रेस है। और एंटोनियो माइनो ने इनको अनुमति नहीं दी है मंदिर के अंदर जाने से। एंटोनियो माइनो को समस्या है कि वो मंदिर में किस प्रकार से चले जाए। भारत का संस्कार और भारत की संस्कृति के खिलाफ ये लोग लगातार रहे हैं और मुझे लगता है एंटोनियो माइनो ने जब निर्देश इनको दे दिया कि मंदिर से दूर रहो, इसी कारण से ये देश में किस प्रकार राम को काल्पनिक पहले बताते रहे और अब जाकर इन्होंने 21-21 वकीलों की फौज खड़ी की थी श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर को रोकने के लिए। ये वही पार्टी है जिसने 21-21 वकीलों की फौज खड़ी की थी और ये वही पार्टी है जिसने किस प्रकार से शिलान्यास के समय भी अड़ंगा अड़ाया था। ये वितंडा कांग्रेस है और देश इसके प्रति बहुत गंभीर रूप से देख रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न जो महात्मा गांधी जी ने देखा था वो स्वप्न पूरा होने वाला है। कांग्रेस अब जो है कोने और खूंचों से भी खरोच खरोच के नहीं निकलेगी,
कांग्रेस का सफाया लगभग तय है। इसके बाद कांग्रेस ने श्रीराम भक्तों का अपमान किया, श्रीराम का अपमान किया, और श्रीराम का अपमान करने वाले का ना तो ये देश जो है चले उत्तर ले लेंगे उसको सहन कर सकता, ना ही इस देश के अंदर इस देश को यशस्वी रखने वाली जो ताकतें हैं वो इस बात का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस का विनाश निश्चित हो गया। यह विनाश काले विपरीत बुद्धि है। सुना सुरेश जी, आपने बीजेपी कह रही कि आप लोग राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, हिंदुत्व विरोधी हैं, देश विरोधी तक कहा जा रहा है आप लोगों को। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले मैं बहिष्कार की बात करी कि कांग्रेस ने वहां वहां बहिष्कार किया। मैं पहले उस बात का राहुल जी की जो पहली है वो सुलझा देता हूँ। बहिष्कार जो है तिरंगे का 53 साल तक भारतीय जनता पार्टी और RSS ने किया देश में, राष्ट्र में, राम राज्य में। तिरंगे से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। देखिए मैं बीच में नहीं बोला, तो आपत्ति जता रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं। आप बीजेपी का भी नाम ले रहे हैं इस बात को लेकर, RSS का तो आप कह ही रहे हैं, बीजेपी का भी नाम ले रहे हैं, तिरंगे का बहिष्कार किए जाने की। एक ही बात है। अभी चंपत राय जी भी RSS के लोग हैं, वो गलत जानकारी है, इनको जानकारी नहीं है पूरी, इनको पूरी जानकारी नहीं। ये कहीं से पढ़कर आए हैं, व्हाट्सएप पढ़कर आए हैं। अगर आप अनुमति दो तो मैं इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। व्हाट्सएप का एजेंडा जो है वो आपने पढ़ के सुनाया, आपकी बात को लोग ये व्हाट्सएप पढ़कर आए। इनको नहीं पता कि देश के अंदर तिरंगा लगाने के लिए कुछ तरीके थे। अरे तिरंगा ये नहीं पता, कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा लगा क्या कभी? 1995 तक कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा लगा क्या कभी? क्या बात कर रहे हैं? आपको जानकारी नहीं है कहीं पर, कहीं भी आपने पढ़ लिया व्हाट्सएप पर, और वही यहाँ पर ज्ञान बगाड़ रहे हैं यहाँ पर। व्हाट्सएप देश के अंदर एक नियम था, एल्बम्स एंड एंथम्स 1950 में का नियम है ये। मुझे अवसर दीजिएगा जो भी, मैं इस पर जवाब दूंगा। कीजिएगा, पहले मेरी बात सुनाइएगा। ये जो जिस तरीके से इन्होंने एक आप लोगों ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, तो आप डिबेट को इधर उधर ना ले जाते। इस बात पर आए कि ये कह रहे हैं कि आप लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग सनातन विरोधी हैं। मैं इसका क्या तोड़ है, इस बात का और इस आरोप का क्या तोड़ है, क्या उत्तर है कांग्रेस पार्टी के पास? देखिए सनातन धर्म में शास्त्रों का और शंकराचार्यों का कितना बड़ा महत्व है। कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पे पढ़ के कुछ भी बोल देगा आप उसकी बात को थोड़ी मानेंगे? आप मान लेंगे ज्योति जी, आपका चैनल मान लेगा, तो हरियाणा की जनता और देश की जनता नहीं मानेगी। शंकराचार्य जी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया अभी, लेकिन क्या जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने भी अर्ध निर्मित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने पर उंगली उठाई है कि ये भगवान राम का अपमान कर रही है बीजेपी अपने चुनावों के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। तो बीजेपी के लोग विरोधी हुए या कांग्रेस के लोग विरोधी हुए, शंकराचार्य से ऊपर कोई हस्ती नहीं है। और दूसरी बात, खुद शंकराचार्य कह चुके हैं कि राम मंदिर जी का जो भगवान राम जी के मंदिर का जो शिलान्यास है वो क्या प्रधानमंत्री को करना चाहिए? वो शिलान्यास शंकराचार्य धर्म गुरुओं के नाम से शास्त्रों के विधि और विधान से होना चाहिए, या एक राजनीतिक पार्टी के वो लोग करेंगे जिनकी फोटो किसी के साथ आती हैं और वो अगले दिन वो किसी और संगीन अपराधों में संलिप्त मिलते हैं, वो लोग करेंगे? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये ऐसे लोगों के निमंत्रण पर प्रत्येक भगवान राम के भक्त को वहां जाना उसकी एक तरह से कोई अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात नहीं है? भगवान राम हमारे सबके लिए पूजनीय है। और दूसरी बात ये बताता हूँ मैं, गांधी जी हे राम कहकर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, गांधी जी की समाधि पे भी हे राम अभी लिखा हुआ है। और इन्होंने कहा कि गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि हमारे साथियों ने और खुद मैंने भी कई चैनलों पे ये बोला कि हमारे गांधी जी की ये बात बताई, इन्होंने उसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी IT सेल यही काम करती है। मैं बताता हूँ, इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र भारत रत्न राजीव गांधी जी ने भी सबसे पहले रामलला के दरवाजे खुलवाए थे 86 में, 86 में और 85 में रामायण का सीरियल रामानंद सागर को बताकर या उनको बोलकर सबसे पहले टेलीविजन पर हिंदुस्तान वासियों को राजीव गांधी जी के प्रयासों से देखने को मिला था। उस समय रामायण के सीरियल में अगर हम बोलें कि जब राजीव गांधी जी ने इस पहल को शुरू किया बीजेपी के नेता नहीं आए, हमने तो कभी नहीं बोला कि ये लोग राम के विरोधी हैं। जब 89 में 79 में
विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ राजीव गांधी जी भारत रत्न ने अपने देश के होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह को भेजकर शिलान्यास कराया था। बीजेपी ने विरोध किया था, विश्व हिंदू परिषद के लोग इस बात के गवाह हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि बीजेपी के लोग ठीक है। आपने जो किया, ये एक मानसिकता है, जिसने जो किया उसको उसका क्रेडिट तो मिलेगा। ठीक है, आप क्रेडिट ले रहे हैं, जो जो किया उसका आप क्रेडिट ले रहे हैं, उसमें ठीक है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया है, क्या अभी नई कांग्रेस है फिर? अगर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, देश भर में राम भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है, तो इसको कांग्रेस आप लोग तो एक बैठे बिठाए मौका दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, हम आप देखिए, ये एक एजेंडा चल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि भगवान राम हमारे लिए इतने पूजनीय हैं, और भगवान राम से अलग और भी सुन लो, जो उनके सेवक बजरंग बली की भी पूजा करते हैं कांग्रेस के लोग, हनुमान जी की। आप भगवान राम जी की तो बात बहुत बढ़िया हो जाती है, हमारे लिए तो माता सीता भी पूजनीय रही है। और इन लोगों को पूछ के देखना। ठीक है, आपकी आवाज नहीं मिल रही, आपका उत्तर जानते कि पूरा भी हो गया। विदु जी आएंगे आपके पास, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। बनीता जी, राम को लेकर जो राजनीति हो रही है, राम को लेकर जो बयानबाजी है, मुझे केवल एक पॉइंट पर जवाब देना है। बहुत जल्दी बोलेगा, बोले। देखिए, ये मुझे अध कचरा ज्ञान लेकर आ जाते हैं, और नेशनल टीवी पर भी वही बात करने लग गए जो अब तक व्हाट्सएप पर करते थे। मैं सिर्फ जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है वो इनको याद करवाना चाहता हूँ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में, बीच में मत बोलिए सुरेश जी, ज्ञान लीजिए। उसके बाद भाई एक बार रुक जाइए सुरेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चीज जो आप, अरे बेवकूफी नहीं करें आप। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता है। आप अपने आपको, अपने आपको ये पता होनी चाहिए, 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्लोज 2.1 लगाया था, जिसके अतिरिक्त नेशनल फ्लैग लगाने पर रिस्ट्रिक्शन थी। आरएसएस नहीं, कांग्रेस के मुख्यालय पर भी कभी तिरंगा नहीं फहराया गया 1995 तक। कब? जब नवीन जिंदल जी, जो बाद में कांग्रेस के सांसद बने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता था इसके लिए। कुछ थोड़ा पढ़ के आया कीजिए, कम से कम थोड़ी सी इज्जत बनेगी कांग्रेस प्रवक्ताओं की। वो अपने 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 मकानों के ऊपर अपने निजी, आज कचरा ज्ञान मत बांटिए आप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप बोलते रहते हैं, दूसरों को फ्रेम करते रहते हैं, खुद का अध कचरा ज्ञान यहाँ मत लाइए, अध कचरा ज्ञान मत दिखाइए अपना। थोड़ा पढ़ा कीजिए, किताबें पढ़ा कीजिए, कांग्रेस अधिवेशनों से बाहर भी जाना चाहिए थोड़ा सा। कांग्रेस के अधिवेशनों में जो बकवास की जाती है, केवल उसको कंठस्थ करके यहाँ पर टीवी पर मत उल्टी कर दिया कीजिए। बेहतर जगहों पर जाओ, बेहतर किताबें पढ़ो, थोड़ी जानकारी अर्जित करो, उसके बाद आकर कांग्रेस क्या विषय पर वापस आ जाएंगे। पैदाइश है अंग्रेजों ने, तब भी राम मंदिर पर क्या हम विषय पर वापस आ जाएं? विदु जी, सुरेश जी उनका आप काउंटर में बोल चुके हैं, आपने कुछ कहा था इस पर, हमको उत्तर देना था, वो हो चुका। आपने कुछ बोला, विदु जी ने उसका उत्तर दिया। अब मैं डिबेट को वापस जिस मुद्दे के साथ बैठी हूँ चर्चा करने की, अंग्रेजों की मानसिकता से ग्रस्त है कांग्रेस। पंडिता जी, रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को लेकर, कार्यक्रम को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, बीजेपी ये कह रही है कि हिंदुत्व विरोधी है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस ये कह रही है बीजेपी और आरएसएस राजनीति कर रहे हैं, इन्हें लोग कैसे देखते हैं आरोपों को? देखिए ज्योति जी, अगर हम कहें तो अलग बात है, लेकिन अगर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, वैसे इसमें सारा लॉजिक भी समझ आता है, अगर वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये शास्त्रों के खिलाफ है, अगर आंशिक रूप से किसी बिल्डिंग को आप इस जल्दबाजी में, क्योंकि आपको चुनाव में जाना है और इस साल के अंत तक या अगले साल के जनवरी के महीने तक तो उसकी सिर्फ दूसरी मंजिल की जो है वो तैयार होने की संभावना केवल जताई जा रही है, तो जल्दी किस बात की है? जो चीज मंदिर अगर पूरे अगर आप देश को दे रहे हैं, और अगर शास्त्रों के खिलाफ अगर कोई चीज आप कर रहे हैं सिर्फ इस जल्दबाजी में क्योंकि आपको चुनाव में जाना है, तो देखिए उसमें तो केवल और केवल मात्र जो है वो राजनीति है, क्योंकि अगर भाजपा इतनी बात शास्त्रों की करती है और शास्त्रों की बात से रहकर भी उसे उस पर टिक नहीं पा रही है, इतनी जल्दबाजी किस बात की है, इतना उतावलापन किस बात का है? आप पूरा का पूरा मंदिर बनने दीजिए, और वैसे भी ये तो है नहीं कि अगर आपको केवल इसका बेनिफिट उठाना है इस वजह से आपको बहुत जल्दी लगी हुई है। हम तो देखिए, अगर भाजपा को इतनी कोई जल्दी इसमें नहीं है, तो फिर आपको
इतना उतावलापन किस बात का है, केवल इस बात का है कि सिर्फ चुनाव आने वाला है? उससे ज्यादा देखिए भाजपा को चिंता और चीजों की होनी चाहिए थी। अभी दो दिन पहले की खबर है कि अंबाला के अंदर एक डिलीवरी होनी थी और हेल्थ मिनिस्टर भी अंबाला के हैं और एक बच्चे का जन्म नहीं हो पाया क्योंकि हॉस्पिटल से कोई मदद नहीं मिली। अगर हम आज भी मूलभूत सुविधाएं हेल्थ सर्विसेज ध्यान होना चाहिए इन चीजों के ऊपर अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो आप बताइए कि 31% जो है पिछले 19 महीने में तेल के दाम क्रूड ऑयल के गिर चुके हैं, 33 लाख करोड़ आप कमा चुके हैं, जनता की जेब आप कितना काटेंगे, जनता की जेब जी, आपकी बात एक हद तक ठीक हो सकती है लेकिन आप जो भी कहेंगे विधु जी कहेंगे उनको उत्तर भी देना है। तो जिस विषय को लेकर, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा विषय है, इस पर भी बहुत बोला जा सकता है, तो फिर मेरे सामने चुनौती ये होगी कि क्या आपकी बात का काउंटर में उत्तर लिया जाए या फिर ना लिया जाए, क्योंकि आप बहुत सारे एलिगेशन लगाने वाले हैं अभी मुझे जानकारी है। तो क्यों ना जो ये कहा, ये जानकारी है ज्योति जी, देखिए मुझे नहीं पता आपको ये कैसे जानकारी हुई। मुझे जानकारी है ना, आपने एक स्पेसिफिक मामले का जिक्र कर दिया अंबाला का, आप फिर पेट्रोल डीजल के दाम की बात कर रहे हैं, एक एक बात पर अगर सिलसिलेवार ढंग से मैं उत्तर लूंगी तो आप मेरी परेशानी तो समझिए कैसे डिबेट हो पाएगी। मैं आपसे केवल इतना आग्रह कर रही हूँ कि हम जिस मुद्दे के साथ बैठे हैं उस पर हम विषय उसी विषय पर चर्चा कर लें। चलो ज्योति जी उसी विषय पर करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है आज जनता को जनता के लिए ये ज्यादा जरूरी हो सकता है कि राम मंदिर का जो अभी निर्माण पूरा हुआ ही नहीं है, उसको 2-3 साल लगेंगे अभी पूरा बनने में, उसकी उतावलापन किस बात का है, जबकि लोगों के पास जो जरूरत की चीजें हैं आज जो मुद्दे हैं उसकी बजाय भाजपा को जल्दबाजी किस बात की है? मंदिर को उद्घाटन करने की आपको इतनी होड़ क्यों लगी हुई है? आपके लिए राजनीतिक कारण नहीं है तो आप मंदिर को पूरा बनने दीजिए, मंदिर पूरा बनने के बाद उसका उद्घाटन कीजिए। हम तो नहीं है ना, हम ये तो शास्त्रों के खिलाफ है। ये तो अगर कोई शंकराचार्य कह रहे हैं ज्योतिर्मठ के तो उनको ज्यादा इन चीजों का ज्ञान है, या तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर विदु रावल अभी कोई आचार्य बन गए हैं या कोई ज्योतिष आचार्य बन गए हैं या कोई पंडित बन गया, ऐसा तो हुआ नहीं, प्रोफेसर ही लगाते प्रोफेसर ही रहेंगे। अगर इस चीज की जस्टिफिकेशन लेनी है तो इस चीज की पहले जस्टिफिकेशन ही ले लीजिए। और ये बात कर रहे थे अभी आप, मुझे इनसे ये पूछिए कि लोकसभा में शाहनवाज हुसैन जी ने, अभी आपने बहुत बड़ी बात कर दी, वैसे तो कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए था, भरी लोकसभा में उन्होंने ये कहा था, अगर आपने डिबेट के स्टार्टिंग में ये चला दिया कि ये गांधी की कांग्रेस, इन्होंने कहा नहीं है ये नेहरू की है, तो नेहरू जी उन्होंने खुद बोला है लोकसभा में कि नेहरू जी ने सबसे पहले वहां पे जाके जो राम की मूर्तियां रखी थी बाबरी मस्जिद के अंदर जब नमाज हो रही थी, तो ये इस बात का जवाब आप ये कौन देगा? ये तो देखिए अब सारा कुछ बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है अगर इस बात पे, तो ये तो मैं अभी सुना देता हूँ, मेरे को क्या है, मेरे पास तो YouTube पे अवेलेबल है वीडियो, मैं सुना देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या, आपको क्या लगता है मैं ऐसे बोल देता हूँ? आपको पता होना चाहिए विदु रावल जी, ऐसे नहीं बैठता हूँ, आपको अभी सुना देता हूँ। आप गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं साहब, मैं गलत क्यों कहूंगा, मुझे गलत कहने की जरूरत ही नहीं है, ये लो सुनिए आप। मैं बता देता हूँ, आपका संशय दूर कर देता हूँ मैं, ज्योति जी अनुमति दे दीजिए। ठीक है पंडिता जी, जो आपने बोला के वो खूब वायरल भी है इन दिनों। विदु रावल जी, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ू उससे पहले पंडिता जी की बात पर आपको कुछ कहना है, बोलिए। देखिए पंडिता जी बार बार कह रहे हैं कि विदु रावल ही ज्योतिराचार्य बन गया है, ऐसा नहीं है, देश के प्रकांड जो पंडित हैं ज्योतिराचार्य हैं, और ये 125 शाखाओं के 400 से अधिक जो पीठाधीश हैं और 4000 के करीब जो संत हैं वो जो हैं इसमें आ रहे हैं। ये रोहिणी नक्षत्र का कालखंड का एक सबसे सात्विक क्षण है, चतुर्वेदों के ज्ञाताओं ने इसको रखा है, ये रजत पंजेटा से पूछकर नहीं रखा गया, ना विधु रावल से पूछकर रखा गया है, इसके लिए राम जी के सजीव रूप में। दूसरी बात, प्रथम दल, एक मिनट जी, बीच में मत बोलिए, थोड़ा समय मिला है मुझे। प्रथम दल सुना, श्री राम जी ताल में बैठे हैं, त्रिपाल में बैठे हैं, श्री राम जी आप इस खंड में त्रिपाल में बैठ सकते हैं क्या? इतने वर्षों तक क्या श्री राम जी को वहां पर बिठाया जाए? प्रथम तल बन चुका है, सुसज्जित हो चुका है। ज्योति जी
जो भी नहीं, या तो ये बीच में नहीं बोलेंगे या मैं सबके बीच में बोलूंगा, या तो ये मेरे बीच में नहीं बोलेगा मैं सबके बीच में बोलूंगा, या तो ये इनको इन्होंने इनकी बात को मैं जवाब दे रहा हूँ। पंडिता जी आपने जो कहा उसका उत्तर दे रहे हैं, सुन लीजिए ना, ये आप गुमराह कर रहा हूँ। मगर आपको इलेक्शन की जल्दी है, आप ये क्यों नहीं कहते आपको इलेक्शन की जल्दी है? पंडिता जी अभी डिबेट बाकी है, मैं इस बात का उत्तर भी लूंगी, क्या चुनावी फायदा देख रही बीजेपी जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं उसका भी उत्तर लूंगी, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस बात का उत्तर लिया जाएगा, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसका उत्तर लूंगी मैं, उसका जवाब लिया जाएगा, अभी डिबेट बाकी है ना। ज्योति जी इनसे उत्तर लेना पड़ेगा, ये बाबरवादी है, ये औरंगजेबवादी है, ये गजनीवादी है, गजनी के प्रेमी है, गोरी के प्रेमी है, ये कल तक ये बदतमीज रोज में यहाँ पर बैठता है, जिस प्रकार से यहाँ पर बैठकर विषय उठा रहे हैं, आज से पहले भी कहते थे। ज्योति जी या तो ये मेरे बीच में नहीं बोलेंगे मैं सबके बीच में बोलूंगा, या तो ये मेरे बीच में नहीं बोलेंगे मैं सबके बीच में बोलूंगा, आप क्या करवा दीजिए? रजत पंडिता जी, पंडिता जी ऐसे नहीं, इनकी रुचि है कुछ भी करके राम मंदिर का निर्माण कर जाए, कुछ भी करके राम मंदिर का निर्माण कर दिया, आज तक ये लड़ाई थी। पंडिता जी ने ये गलत की, मुझे म्यूट कराना होगा, फिर आप लोग नहीं, पंडिता जी सुन लीजिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, रजत जी कोई नहीं बोला था, आप इनको बात पूरी तो करने दें, केवल समय ही बर्बाद हो रहे, विधुराव जी आप बात पिलाएंगे, जनता पानी पिलाएगी और मुंह पे पानी मारेगी आपके, जनता पानी पिलाएगी तुम लोगों को, ये जो रामद्रोही हैं, जो राम विरोधी हैं, ये आज तक मंदिर निर्माण में इनका कोई योगदान है क्या? मंदिर निर्माण में पग पग पर बाधा डालने वाले यही लोग हैं क्या? नहीं है, जनता इनको जानती है, इनके चेहरे उतार दो, इनके नकाब उतार दो, ये किस प्रकार से गजनीवादी गोरीवादी लोग हैं। आज जब राम मंदिर का प्रतिष्ठा पूरी तरह बन चुका है, जब सुसज्जित हो चुका है, अरे तुम राज्य दिखाओ ना, तुम टेंट में तुम दो दिन टूटने घर से बाहर निकल जाते, जब तुम क्यों निकल सकते, श्री राम के लिए तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, यहाँ पर 500 वर्षों तक हमने संघर्ष किया। ज्योति जी अब से यह तय हो गया कि पूरी डिबेट के अंदर रजत पंजेटा को नहीं बोलने दिया जाएगा, यह तय कर दिया रजत पंजेटा ने, यह विनाश काल विपरीत बुद्धि है, 500 वर्षों से जो है हमने संघर्ष जीता है, लगातार नहीं बोलते रहेंगे, अभी दो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं जिनकी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो पाई है, आप लोग आपस में लड़ लीजिए, फिर बाकी पैनलिस्ट को सुनने की जरूरत नहीं है, ये हो अल्लाह चलता रहेगा। पंडिता जी आपके बीच में कोई भी एक शब्द नहीं बोला था, किसी ने नहीं कहा, मैं इनके बीच में नहीं बोला हूं, नहीं आप कैंकर सर अभी काम करोगे, ये कह रहे कि चैनल ये आप आगे डिबेट ऐसी होगी, ये चलाएगा डिबेट को, नहीं कोई नहीं चलाएगा डिबेट, चलाने के लिए मैं बैठी हूँ, लेकिन मैं तो आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ कि आप सुन लीजिए, आप भी तो नहीं सुन रहे ना, आप सुन ही नहीं रहे, आपके नहीं, इनकी बात गलत है क्या, ये आपके बीच में नहीं बोले थे एक सिंगल वर्ड नहीं बोले थे, आप बार बार इनके पहली लाइन से बार बार बोल रहे हैं, पहले वाक्य से आप लगातार बोल रहे हैं, आप अपने समय में उत्तर दीजिएगा ना पंडिता जी, आप अपने समय में उत्तर दीजिएगा, क्या आपको टाइम नहीं मिलेगा क्या पंडिता जी, क्या आपको समय नहीं दिया जाएगा क्या? आपको मैं समय दूंगी उत्तर देने के लिए, आपको काउंटर करना है, कुछ भी कहना है आप कहिएगा, अभी आप राइट डाउन कर लीजिए, आप लिख कर रखिए पंडिता जी, आप धैर्य तो रखिए थोड़ा, अभी वाइंड अप नहीं कर रही हूँ ना, धैर्य रखिए थोड़ा। ज्योति जी मैं धैर्य रख रहा हूँ, मैंने भी लिखा था भाई, मैंने भी इनके क्रूड ऑयल और हेल्थ सर्विसेज को लिखा था, मैंने भी लिखा था। आप सभी को ये म्यूट करवाने वाला जो तरीका है ना, ये तरीका सबसे अच्छा है, मैं फिर सभी को म्यूट करवाऊंगी। आप अपने समय में उत्तर दे दीजिएगा पंडिता जी, एक एक शब्द का उत्तर देने लगे तो डिबेट नहीं करेगी ऐसी। ये डिबेट का समय खराब कर रहा है, ये व्यक्ति जानबूझकर डिबेट का समय खराब कर रहा है, इसके पास कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करने को डिबेट में, इसलिए मुझे बोलने से रोक रहा है, कभी कोई बहाना बना रहा है। देखिए मैं एक बात कहकर अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, ज्योति जी बड़े विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ, पाखंडी को बोलो, आप लोग अपनी लड़ाइयां लड़ लीजिए पहले, अरे अरे पाखंडी भी तुम हो, आरोप लगा रहे हैं आप लोग, ये शब्द नहीं चलेंगे, ये शकुनी पाखंडी क्या क्या तरीके आप लोग अपनी अपनी पार्टियों के, नहीं देखिए सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पंडिता जी को अभी म्यूट कीजिए, और विधु रावल जी आपको एक बात कहना था उसको जल्दी पूरा करिए, उसके बाद आम आदमी पार्टी को मैं चर्चा में जोड़ूंगी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें आप डिबेट में। विधु जी मुझे वास्तव में ये बड़ी बात विनम्रता पूर्वक कहनी है मुझे, ये बात देखिए
जब भी इंसान के पास कुछ थोड़ा सा भी पैसा होता है तो सबसे पहले क्या करता है, सिर के ऊपर छत बनाता है। जो तुरपाल में बैठे हुए, टाट में बैठे हुए श्री राम जी हैं, उनका उनका वहां पर मंदिर का प्रथम तल बन चुका है, सुशोभित हो चुका है, सुसज्जित हो चुका है हर प्रकार से। और मैंने जैसे कहा ये रोहिणी नक्षत्र है, और ये मैंने और आपने नहीं तय किया, ये देश के अंदर जो सबसे प्रकांड पंडित हैं, ऐसे जो लोग हैं, जो ज्योतिराचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने इसको तय किया, जो चतुर्वेद के ज्ञाता हैं। ये जो सात्विक क्षण है, इस क्षण पर भी ये वही विघ्न लगा रहे हैं जिस प्रकार का 2019 में लगाया था। जब भी इंसान के पास सबसे पहला सामर्थ्य होता है, सबसे पहले वो अपना मकान बनाता है, और मकान बनाता है, मकान में जाता है। अगर मकान पूरा नहीं भी बना, पूरे प्रथम तल बन गया, उसमें जाता है। अगर इन ये लोग भी ऐसा ही करते होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी किस प्रकार से इनकी रुचि क्या है, ये पहले इनकी रुचि थी कि वहां पर राम मंदिर ना बने। ये हम जब कहते थे रामलला हम जाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हमसे पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे, ये हमारा अठास उपहास किया करते थे। आज जब तारीख इनके सामने है, तो आज इनके साथ में दूसरी क्या है, कुछ भी करके रोक दिया जाए। ये रोकने वाली शक्तियां हैं, और इसको देश समझता है ये अच्छे तरीके से। और मैंने शकुनी इसलिए कहा क्योंकि शकुनी की प्रकार से चाले चलते हैं। कभी 2019 का चुनाव था, तब ये कोर्ट में जाकर कहते थे कि 19 के चुनाव के बाद तक टाल दो। आज इनको 2024 दिख रहा है, फिर इन्हें 2019 दिखेगा। ये कभी नहीं चाहते श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होता है, कभी नहीं चाहते। एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे, डिबेट का बहुत टाइम बर्बाद किया आप लोगों ने। गौर साहब, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं और मेरे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं, आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम। और देखिए, भगवान श्री राम सभी के आराध्य हैं, और ये आस्था के, भगवान श्री राम आस्था के केंद्र हैं, सभी के आस्था के केंद्र हैं। और ये किसी भी व्यक्ति का एक व्यक्तिगत विषय है, उसका वो किस धर्म के साथ जाना चाहता है, किस आस्था के साथ जाना चाहता है। परंतु सबसे जो खराब चीज़ और जो एक अद्भुत बेकार चीज़ लग रही है, वो ये लग रही है कि जब भगवान श्री राम, जो सभी के आराध्य, सभी के पूजनीय हैं, उनके नाम का राजनीतिकरण जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, ये बहुत ही दर्दनाक और ख़राब है। जब चार शंकराचार्य, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, और वो अपने समय में बोले, कृपया अभी ना बोले, अपने समय में बोले, उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो चार शंकराचार्य हैं वो क्यों नहीं आ रहे इस कार्यक्रम में? उनको बुलाने के लिए इन्होंने क्या, ये कांग्रेस को बुलाने के लिए इतना उत्सुक हैं, इतना लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, इतना डेटा और फैक्ट पता नहीं क्या क्या निकाल के ला रहे हैं। जो चार शंकराचार्य हैं, जिनका कहना है कि शास्त्रों के अनुसार अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है और वो नहीं होना चाहिए, वो शास्त्रों के खिलाफ है, वो शास्त्रों के, सर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, विदुर रावल जी कृपया शांति रखिए, बिल्कुल चुप्पी साध के बैठा हुआ था, मैंने एक शब्द नहीं बोला था जब आप इधर उधर मतलब दूसरों को टोक रहे थे, तो कृपया शांति रखिए। तो उनको बुलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उनको मनाने के लिए इन्होंने क्या क्या करे हैं, उन तथ्यों पर भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये कहना कि जी कांग्रेस नहीं आ रही। नहीं आ रही तो वो उनका व्यक्तिगत मैटर है, उनको आना है नहीं आना है, उनको कंप्लीट होने के बाद आना है, इनकम्प्लीट में नहीं आना चाहते, उनका व्यक्तिगत विषय है। पर इसका राजनीतिकरण करना, और ये एक चीज ये भी समझ में आ रही है, और क्योंकि चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी तो विख्यात है, और इनकी तो ख्याति है कि भाई ये जात धर्म और इन सब की राजनीति करने में इनको ख्याति प्राप्त है। तो चुनावी वर्ष में एक जो हमारा भगवान श्री राम का मंदिर की जो बिल्डिंग पूरी नहीं है, इमारत मंदिर पूरा नहीं है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सीधा सीधा हर कोई व्यक्ति इसको जोड़ के देख सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति से जोड़ना चाहती है। दूसरी चीज, इन्होंने मौका तलाश रहे हैं लोग, किसी प्रकार से कांग्रेस ने ये कह दिया चलो अब इसको एक्सपो, इसको लोगों के सामने ऐसे कर दो उसको। आप शंकराचार्यों को मनाने के लिए क्या क्या करें? दूसरी बात, सनातन विरोधी इन्होंने एक शब्द यूज करा जब ये बात कर रहे थे। अब मुझे एक बात बताइए, सनातन का कॉपीराइट भाजपा को कब से मिल गया? ये खुद से ही कॉपीराइट लेके बैठ गए, ये कह देते हैं वो सनातन विरोधी है, खुद को सनातन प्रेमी का कॉपीराइट दे देते हैं। ये
कहां कहां का राम राज्य की हम, मतलब कौन से राम राज्य की हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो चैनल पे आके कहते हैं, किसी को शकुनी नहीं कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, किसी को सनातन विरोधी बता देते हैं, किसी को कुछ भी बता देते हैं। अगली बात, जहां तक इन्विटेशन की बात, इन्विटेशन भारतीय जनता पार्टी भेज रही है या वो कमेटी भेज रही है, जो जो कमेटी इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, इस पे भी बात होनी चाहिए, इस पे भी स्पष्टता रखनी चाहिए कि भाई आपको इतना अगर किसी ने इन्विटेशन लिया है नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप मानते हो भगवान श्री राम को तो आप जाइए और आप अच्छे प्रकार से उसे करिए। किसी को अगर एक साल बाद आना है, किसी को राम मंदिर पूरा होने के बाद अगर उस कार्यक्रम में आना है, तो उसमें आपको अरविंद केजरीवाल और रामलला जब बुलाएंगे ना, रामलला जब बुलाएंगे तो आप भी घुटनों के बल जाओगे, सबको जाना पड़ेगा। रामलला बुलाएंगे और सब जाएंगे, सबको जाना चाहिए, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए आस्था का विषय है और आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है, ये एक व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति का विषय है क्या? और हम राम की बात मानेंगे या जाएंगे? हमारी आस्था है और पूरा भरोसा है, परंतु इसका राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। और ये जो ट्रेडमार्क लेके बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जाएंगे क्या? अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर वही कह रहा हूँ, वो जाएंगे नहीं जाएंगे, वो उनकी आस्था का, उनकी आस्था का उनका समय किस प्रकार से है वो उन्होंने डिसाइड करना, अपना नहीं, जाएंगे, नहीं जाएंगे, बता दीजिए, उन सब चीजों पर डिबेट में आए हैं तो बता दीजिए। क्या बता दीजिए सर? विदु रावल जी बता दीजिए, क्या बता दीजिए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उनकी नानी ने उन्हें अनुमति दे दी है, वो जो उनकी नानी ने, उनकी नानी ने, नानी ने अनुमति दे दी है केजरीवाल जी की। विदु रावल जी नानी कहा करती थी कि मंदिर में नहीं, ये जो व्यक्तिगत और ये उनके, उन्होंने भाषण दिए, इतने गंभीर विषय पर भी अगर आप तंज कसेंगे, अगर आप चुटकुले सुनाएंगे तो ये आपको शोभा देता है? आप भगवान श्री राम की बात करते हैं और चुटकुले सुनाते हैं बैठ के, आप भगवान श्री राम की बात करते हैं और यहाँ पर बैठकर आप तंज कसते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता? भगवान श्री राम सबकी आस्था के केंद्र है, आपने ठेका नहीं ले रखा भगवान श्री राम का? भगवान श्री राम हमारे भी हैं, भगवान श्री राम इस पूरे देश के हैं, आपने ठेका नहीं ले रखा? आप किसी को सनातन विरोधी कह देते हो, किसी को हिंदू विरोधी कह देते हो, आप ठेकेदार हो? भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार बन गई है क्या? भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार है क्या? भगवान श्री राम के हिंदू धर्म के सनातन सभी के हैं, भगवान श्री राम सभी का है, हिंदू धर्म सभी का, सभी मानते हैं सनातन को, आप इसकी ठेकेदारी मत लीजिए, आप इसका कॉपीराइट लेके नहीं बैठे हो। और ये जात और धर्म की राजनीति में जो आप देश को डिवाइड कर रहे हो, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है और हिंदुस्तान आपको सबक सिखाएगा जिस प्रकार से आपने इस देश को धर्म में और जाति में राजनीति, भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आप अपने राजनीतिक लालच के चक्कर में अधूरी अधूरे मंदिर को, अधूरे मंदिर को जो कि शास्त्रों के अनुसार शंकराचार्य ने बताया, शास्त्रों के अनुसार जो कि गलत है, आप अपनी राजनीति के लालच के चक्कर में उसको अधूरे अधूरे मंदिर को उसमें राजनीति करना चाहते हैं, उसके नाम पे वोट लेना चाहते हैं, भगवान केजरीवाल राम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, इस देश को लूट रहे हो आप लोग। और भगवान हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो ईमानदारी कल्पना करते हैं, हम जब राम राज्य की बात करते हैं तो सच्चाई की कल्पना करते हैं, हम जब राम राज्य आपके तौर पर आप तो जनता को इतने झूठे झूठे वादे करते हो, कभी पूरा नहीं करते हो, आप राम भगत को शरण आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जो राजनीति करती है भगवान श्री राम के नाम पर। भगवान श्री राम देख रहे हैं आपको और भगवान श्री राम आपको सबक में सिखाएंगे, भगवान श्री राम के नक्शे कदम पे आपको चलना चाहिए, भगवान श्री राम के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, राम राज्य उस पर चलना चाहिए आपको, आपको सच्चाई पे चलना चाहिए, आपको डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का नहीं। अभी 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 आप क्योंकि काफी समय ले चुके हैं, विदु रावल जी आप भी रुकिए, मैं जादून जी को चर्चा में जोड़ूंगी। अभी उपदेश नहीं लेंगे हम। विदु रावल जी, जादून जी आप हैं फोन लाइन पर। कांग्रेस का जो फैसला है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, इसका हम हालांकि सभी कहते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के लिहाज से क्या नफा नुकसान देख रहे हैं कांग्रेस के लिए? हेलो जी, आवाज मिल रही क्या जादून जी? कांग्रेस की ओर से निमंत्रण अस्वीकार किए जाने के क्या चुनावी फायदे और नुकसान देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो है जब भी कोई यहाँ हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों का या हिंदू
धर्म के महत्व के जो भी मुद्दे हैं उन पर कर्तव्य विमूर की स्थिति में आ जाती है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि उसको लगता है कि हिंदू पक्ष तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आरएसएस के साथ है, तो उसकी बड़ी दुविधा की स्थिति होती है। अब उन्होंने कहा कि हम जो है राम का विरोध नहीं है, वो तो कार्यक्रम का विरोध है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से हैं इसलिए विरोध है, लेकिन ये देखिए कि जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं राष्ट्रीय पर्व के, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, उसमें भी प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं और उसमें भी फिर सभी विपक्षी दलों को भी जाना पड़ता है, तो क्या वो उसका बायकॉट कर सकते हैं? तो ऐसे ही अब ये मंदिर का कार्यक्रम है कि देश की जो जन जन की आस्था का विषय है, तो इसमें अब कांग्रेस कह रही है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया तो प्रधानमंत्री तो जा ही सकते हैं, उसमें क्या है। सवाल ये है कि शंकराचार्यों की जो दलील है वो तो एक सेकेंडरी तर्क के रूप में ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि शंकराचार्यों ने भी विरोध किया, तो या तो कांग्रेस पहले ही कहती ना कि मंदिर पूर्ण नहीं है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है त्रुटिपूर्ण है इसलिए हम नहीं जाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं, प्राइम दलील उनकी जो मुख्य दलील है वो तो ये है कि चूंकि उसको राजनीतिक कार्यक्रम पर दे दिया गया है इसलिए हम नहीं जाएंगे और राम का विरोध नहीं। सवाल ये है कि कांग्रेस बहुत ही पता नहीं क्यों जो है अपनी धुलमुल स्थिति में ही अपना नुकसान कर रही है। इन्होंने जो है एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल कर दिया कि राम हुए ही नहीं, वो तो कोई काल्पनिक चरित्र है। तो अब ये पिछली दलीलें भी कांग्रेस को परेशान कर सकती हैं, और एक वक्त ऐसा भी आया कि राजीव गांधी ने राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास की तैयारी कर ली थी और बाद में अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अभी आया कि नेहरू ने जो है वो ताले खुलवा दिए थे जहां मूर्तियां ताले में रखी हुई थी। तो सवाल ये कि कांग्रेस इतनी ढुलमुल क्यों है, क्योंकि वहां शशि थरूर जैसे नेता है जो कहते हैं कि इस तरह की विचारधारा पर चलेंगे तो कांग्रेस बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि जहां इतना बड़ा जनमत जिस कार्यक्रम और जिस मुद्दे पर एकजुट है वहां कांग्रेस विरोध करके कैसे जीवित रह सकती है, ये तो कांग्रेस को देखना। सवाल यही है कि ये इस तरह की दलीलें देने से अच्छा है कि त्रुटिपूर्ण अगर बात थी तो कांग्रेस प्राइम मुद्दा उसी को बनाती कि चूंकि इसमें शास्त्रोक्त त्रुटियां हैं इस प्राण प्रतिष्ठा में इसलिए हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये तो बात नहीं है। और कांग्रेस ये भी नहीं कह रही कि दूसरे दिन हम कार्यक्रम के बाद दर्शन करने चले जाएंगे, ये भी दलील नहीं दी जा रही। इससे कांग्रेस अपने आप को स्वतः ही हिंदू विरोधी साबित करने में जुटी हुई है, तो ये कांग्रेस को देखना है कि कहां उसका हित है और कहां अहित है। सुरेश जी, लाखों करोड़ों लोगों की भावना आस्था का विषय है, कई ये बात सोचकर कि बीजेपी को चुनावी फायदा है, बीजेपी को क्रेडिट ना मिल जाए, इस बात को जहन में रखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस खुद ही सेल्फ गोल कर रही है, खुद का ही नुकसान ना कर ले? क्योंकि बीजेपी ने तो सीधे सीधे इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया है कि आप लोग हिंदुत्व विरोधी हैं, इस बात को स्थापित करने की कोशिश। नहीं, ये तो देखिए जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, कांग्रेस पार्टी धर्म में शास्त्रों में बहुत श्रद्धा रखती है, निष्ठा रखती है, और तभी धर्म और शास्त्रों के अनुसार शंकराचार्यों के जो इस तरह से आदेश हुए कि अर्ध निर्मित मंदिर का, भगवान श्री राम जी के अर्ध निर्मित मंदिर का अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो कुछ भी मतलब उसमें हासिल नहीं होगा देश को, कोई सार्थक चीज नहीं है और विधि विधान के भी खिलाफ है, ये शंकराचार्य जी ने बोला है। और एक शंकराचार्य जी ने नहीं बोला, चारों ने बोला। तो हम वक्ता की दृष्टि पर ज्ञान बांटने वालों की बात मानकर होकर वहां पर ही पहुंचेंगे। इस बात को लेकर तो विस्तार से विधु जी उत्तर दे चुके हैं, विधु जी उत्तर दे चुके हैं इस बात को लेकर, अनुष्ठान की तिथि को लेकर भी मानते हैं, तो उनके सेवक थे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो पंजेता जी ने जिक्र किया था कल परसों किसी और चैनल पे भी थे, जो अभी एक साथी बाद में बोले, मैं नाम ठीक से सुन नहीं पाया कौन थे जो मेरे से पहले अभी बोल रहे थे, राजेंद्र जी, हाँ, शाहनवाज हुसैन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उन्होंने लोकसभा में लोकसभा की कार्रवाई में बोला ऑन रिकॉर्ड कि इस ये मस्जिद थी यहाँ पर और नेहरू जी जब प्रथम प्रधानमंत्री बने उन्होंने राम जी की मूर्ति रखवा दी यहाँ पर, सीताराम की मूर्ति रखवा दी, ये ऑन रिकॉर्ड बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बोला। लेकिन उस समय के न तो न्यूज चैनलों ने उस मुद्दे को उठाया कि जो ये बोल रहे हैं बीजेपी हिंदू विरोधी है, और ना ही कांग्रेस पार्टी ने तमाम बीजेपी पार्टी को जो उसके कार्यकर्ताओं को हिंदू विरोधी बोला,
हमने ये माना कि हो सकता है ये शाहनवाज हुसैन की अपनी कोई सोच रही होगी। एक आप राजनीतिक और धर्म को अलग अलग लेके नहीं चलेंगे तो आपकी राजनीति जनता समझ जाएगी। हमारे लिए भगवान श्री राम श्रद्धा के प्रतीक हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, और हमारे जो गांधी जी का जैसे जिक्र हुआ हे राम कह के उन्होंने प्राण त्यागे, और उसके बाद ये कह रहे थे आज ये नेहरू की कांग्रेस है, आज सोनिया गांधी की कांग्रेस है, इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र भारत रत्न राजीव गांधी जी ने तीन मौकों पर, एक मिनट में बात खत्म करूंगा, तीन मौकों पर सबसे पहले रामानंद सागर को बोलकर रामायण का सीरियल टीवी पे चलवाया 85 में, 86 में राम मंदिर के ताले खुलवाए दर्शनों के लिए, और 89 में शिलान्यास जब करवाया तो बीजेपी के लोगों ने विरोध किया था, जिसको हिंदू परिषद के लोग थे सुब्रमण्यम स्वामी जी, ये बात खुद बीजेपी के नेता है, गलत कह रहे हैं, अगर राजीव गांधी जी जीवित रहते राजीव गांधी जी के साथ वो दुर्घटना न घटती तो भगवान श्री राम का मंदिर तभी बन। हमने कोई विरोध किया हो ऐसा दिखा सकते हैं क्या? कभी भी बीजेपी को राम विरोधी नहीं कहा, हमने बीजेपी को हिंदू और सनातन धर्म के विरोधी नहीं बोला। जबकि अरे हमें कैसे कहोगे, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे, क्या हो रहा है ये उल्टी गंगा बह रहे हैं, उल्टी गंगा बहाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैंने किसी को म्यूट नहीं किया, मैं सभी के लिए एक ही नियम लेकर चलती हूँ, या तो सभी को म्यूट किया जाता है नहीं किया जाता, आज मैं किसी को म्यूट नहीं कर रही हूँ जी। नहीं नहीं म्यूट करेंगे तो हमारे छोड़ देंगे सर। ज्योति जी इनसे सोर्स पूछ लीजिए, हमारे हमारा हमने विरोध किया ऐसा कोई तथ्य हो, कोई सबूत हो, कोई बात हो, डिबेट छोड़ देंगे। जैसे एक तो धमकियां मत दिया कीजिए, डिबेट में आना ना आना आप लोगों का खुद का फैसला, डिबेट छोड़ देंगे नहीं छोड़ देंगे आपकी मर्जी है, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। नहीं इसको आजादी है, नहीं किसी को आजादी नहीं, सभी एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। मैंने शुरुआत से कहा कि किसको म्यूट करना है नहीं करना है, मैं डिसाइड कर लूंगा, मैं डिसाइड कर लूंगा। आपके ऊपर ऐसा क्या दबाव है ज्योति जी? सुरेश जी एक तो आप लोगों ने कांग्रेस ने एक एजेंडा बना लिया है, मीडिया पर हमला करो, एंकर्स पर हमला करो, ये आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, कोई बैठक करके डिसाइड किया आप लोगों ने? उस पर क्या दबाव होगा, उस पर क्या दबाव होगा, क्यों दबाव होगा? एक वाक्य आपके बीच में बोला नहीं, आप इतनी शांति से अपनी बात रख रहे थे, एक वाक्य बीजेपी प्रवक्ता ने बोला, आप उनको कुछ भी बोलने के बजाय उल्टा एंकर पर अटैक कर रहे हैं, क्या एजेंडा लेकर चल रहे हैं आप? आपको समय नहीं दिया क्या बोलने के लिए? ये गलत बात है, फालतू का एलिगेशन नहीं लेने वाली मैं। नहीं मैं क्या करने के लिए बैठी हूँ मुझे पता है, आप क्या करने के लिए बैठे, अपनी बात कहने के लिए बैठे सुरेश जी बड़ी, नहीं मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ आप अपनी बात कहें। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ आप लोग आते हैं एंकर पर अटैक करते हैं, आपको इनको म्यूट कीजिए, इनको म्यूट कीजिए। नहीं आप लोग एंकर से लड़ने आते हैं या फिर बीजेपी से बात करने आते हैं? ये इस तरह का दबाव बनाने का प्रयास मत कीजिए। पंडिता जी आखिरी कमेंट आपका। देखिए ज्योति जी बात ऐसी है कि सॉरी ये मैंने भी कंफर्म किया है कि चार शंकराचार्य हैं, चारों ने ये पुष्टि की है बात की कि ये शास्त्रों के खिलाफ है, और इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं जो वो बिठा दिए हैं ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पे जो ये पंडित हैं शंकराचार्य हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए था। बड़ा गंभीर विषय ये है कि आज भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि आगे कभी स्वाति नक्षत्र आएगा ही नहीं और कभी शुभ मुहूर्त आएगा ही नहीं। ये शुभ मुहूर्त सिर्फ इसका है कि इलेक्शन इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, इलेक्शन है, ये मौका इनके हाथ से ना चला जाए, इस वजह से ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सबसे पहले गरीब की झोपड़ी होती है, गरीब की झोपड़ी का इन्होंने बड़ा जिक्र किया, सबसे पहले मकान बनाता है वो, 400 दुकानें बुलडोजर से तोड़ी गई हैं वहां पर, गरीबों की झोपड़ियां के ऊपर तक बुलडोजर चला है वहां पर, उनके छत की ध्यान नहीं आया आपको? देखो 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 कितनी तकलीफ में है आपको, तकलीफ। एक मिनट। फिर अभी एक और राजौन जी ने एक बात कही, सारे हिंदू आरएसएस और भाजपा के साथ है, मैं इसके इस बयान का कड़ा विरोध करता हूं, और इनके जो इनकी जो मानसिकता है वो बहुत उनमें विरोधाभास है। सारे हिंदू आरएसएस के साथ कैसे हो गए ये? आपने इनको सर्टिफिकेट कैसे बांट दिया? और बिल्कुल मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्या राम का कॉपीराइट, भगवान श्री राम का कॉपीराइट और भगवान श्री राम के ठेकेदार है क्या ये भाजपा वाले? क्या सभी हिंदुओं के ठेकेदार है भाजपा? ये बताएंगे सारा कुछ किस हिसाब से होगा? ये अब शंकराचार्य से ऊपर हो गए, ये शास्त्रों से ऊपर हो गए, इनके दिमाग से राजनीति इतनी सर चढ़ के बोल रही है कि किसी को भी बैठ के यहाँ बैठते
इन्होंने मुझे सबसे पहले बोला, अगर मैं तब टोकरा था इनको उस बात पे टोकरा था, इन्होंने मुझे कहा राम विरोधी, फिर इन्होंने मुझे ये कहा कि ये शकुनी है, तब मुझे मैंने इनको डिबेट में टोकने का काम किया था, और अपने आप को ये चीख चीख चिल्लाकर अगर बार बार गला फाड़ फाड़ कर अगर ये अपने आप को राम भगवान श्री राम का ठेकेदार और मूर्ख भी अभी होगा, आधा अधूरा हो ना हो, सारे देश को पता है कौन राम विरोधी है और कौन राम प्रेमी है, सबको पता है आप राजनीति कर रहे हो भगवान श्री राम के नाम पर, सारा देश जानता है आप राजनीति कर रहे हो, सबको पता है, सबको पता है आपके चरित्र को खाल के अंदर तक जानते हैं। ठीक है पंडिता जी, विदू जी आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगी, अभी आदत बन चुकी है जी। देखिए मैं तो बार बार आग्रह ही करती हूँ, निवेदन करती हूँ आप लोगों से, एक दूसरे के बीच में बोलेंगे समय व्यर्थ करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, एंकर को कोसेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। विदु रावल जी देखिए ये बात तो बार बार निकल कर सामने आ रही कि चुनाव करीब देखकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, चुनावी फायदा उठाने का प्रयास हो रहा है बीजेपी की ओर से, आपके सभी विपक्षी दल इस बात का जिक्र कर रहे हैं। केवल यही एक तर्क नहीं दिया, तर्क बहुत सारे दिए गए, तर्क ये भी दिया अभी अभी की 400 दुकानों को विस्थापित कर दिया, हाय क्यों मंदिर बन रहा है, तर्क ये भी दिया गया हाय क्यों मंदिर बन रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए देखो, हेल्थ सर्विसेज अंबाला के अंदर कोई केस आया, जैसे बीच में ना, अब ज्योति जी अब इनको शांत करवा दीजिए, अगर मेरा अंतिम कमेंट है तो अब इनको शांत करवा दीजिए, अब इनका अगर इनकी कुछ बात रहे अब शांत करवा दीजिए, अब इनके आप प्लीज शांत करवा दीजिए, बात नहीं करने देंगे, ये पहले भी नहीं करने दे रहे थे। देखिए क्या क्या बहाने क्या क्या सुने, आज तक क्या सुनते थे, वहां मंदिर क्यों बन रहा है भाई, वहां पर अस्पताल बना दो, स्कूल बना, देश के अंदर जगह खत्म हो गई थी स्कूल और अस्पताल बनाने की, सिर्फ वहीं पर श्री राम जन्मभूमि पर ही मंदिर के स्थान पर अस्पताल बनना था, स्कूल बनना था, और एक तो श्रीमान जी की नानी ने कहा था, ऐसा उन्होंने भाषणों में बताया कि मेरी नानी ने कहा कि मंदिर क्यों बन रहा है, ऐसे मंदिर में नहीं जाना बेटे, ऐसा ऐसा किसी की नानी ने, ये तो सार्वजनिक है, भाषण दिया हुआ अगले ने। अच्छा अभी ये बार बार एक और झूठ बोलते रहे लगातार, चारों शंकराचार्य जी की बात करें, शंकराचार्य चारों के चारों पूज्य हैं, और श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य जी हैं और दूसरे शंकराचार्य पुरी के जो शारदा मठ के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने शुभाशीष पत्र भेजे हैं, उन्होंने और पूरे भारत के अंदर ये आह्वान किया है, क्या कार्यक्रम में शंकराचार्य आ रहे हैं। अच्छा अब मैं सुनिए देखिए शंकराचार्य जी पूज्य हैं, शंकराचार्य जी तय करेंगे उन्होंने क्या करना है, हमारे लिए पूज्य है श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, औरों को भी कह रहे हैं कि आइए उसमें जुड़िए, ये अरे भाई बात सुनो ना, बीच में मत बोलो, सुनाइए सुनाइए अपना, आपको अगला टाइम आपका ही, आपने बोलना है। हाँ जी सुनाइए, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी के पत्र आप पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए, शारदा पीठ के जो पुरी की शारदा पीठ के शंकराचार्य जी उनका पत्र पढ़ लीजिए, वो पूरे भारतवासियों से कह रहे हैं कि ऐसा ऐतिहासिक क्षण जो है 500 वर्ष बाद आया है, वो सबसे आह्वान कर रहे हैं, दोनों के पत्र में आपको दिखा सकता हूं, आप पढ़ लीजिए, आपको बाईचांस नैरेटिव में फंस गए कहीं, आपसे छूट गया होगा, लेकिन बड़ी बात क्या है, नहीं मैं अंतिम कर रहा हूं, मैं 10 सेकंड और दे दीजिए ज्योति जी मुझे, मेरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारे बहाने हैं ना, इसको बहानों के रूप में देखिए, ये जिस प्रकार से बहाने बनाए जाते हैं, और इसलिए ये बहानों को सुनते हैं, मैं बाइंडर भी करना होगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, फिर नवीन जी को केवल एक उत्तर के लिए वक्त दिया था मैंने अभी तक, नवीन जी आप बोलिए 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड भी नहीं दे पाए, मुझे वाइंड अप के लिए कमांड मिल रही है, उसके बावजूद भी मैं टाइम दे रही हूँ। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के मैं बात करी, मैं इनको बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी हनुमान भक्त है, और उनकी नानी ने मना किया था, अरविंद केजरीवाल की नानी ने मना किया था, कैसे चला वही मतलब गली कूचे वाली बातें, विदु रावल जी प्रोफेसर लगाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको इस प्रकार से बीच में करना है, गजब की बात है, शर्म की बात है, कहने दो यार कुछ तो कहने दो, कुछ भी बोलते रहते हो, ये पर्सनल कमेंट, आप देखिए सुनिए, आप जो है आप जब भगवान श्री राम का ट्रेडमार्क लगाते हो तो आप सनातन धर्म को कमजोर करते हो, इस देश आप जो ये कहते हो कि हिंदू, आप हिंदू धर्म की जब ठेकेदारी लेते हो और एलिगेशन लगाते हो कि वो नहीं आ रहा, इससे आप क्या कर रहे हो, इससे आप हिंदू धर्म को सनातन धर्म को
कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो, इस राष्ट्र को डिवाइड करने की बात कर रहे हो, इस देश में जो दो जो विचार जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं उनको डिवाइड कर रूल की पॉलिसी ब्रिटिश एम्पायर वाली पॉलिसी आप लेके चल रहे हो। देश की जनता माफ नहीं करेगी आपको, देश की जनता आपको शुक्रिया शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। ऐसा काम ले रखा है, समझ गया। रामलला को लेकर, राम मंदिर को लेकर जो हो रही राजनीति उसे लेकर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।